पूरे विश्व में हर साल पानी में डूबने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अगर आप भी तैरने के शौकीन हैं या फिर तैराकी करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए भी बेहद ही खास है। आप भी जाने कि अगर आप डूब रहे हो या फिर आपका कोई जानकार डूब गया हो या फिर डूबते डूबते बच गया हो तो ऐसी स्थिति में क्या करें। डूबने के कारण हजारों लोगों की हर साल मौत हो जाती है। पानी में डूबने के दौरान श्वसन मार्ग में पानी घुस जाता है, श्वास नालियों में ऐंठन होने लगती है और फेफड़ों में वायु की कमी हो जाती है जिससे दम घुट जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। कई बार नदी में पत्थर से टकराने पर गहरी चोट लग जाती है, इससे भी मौत हो जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डूबते समय घबराकर व्यक्ति हाथ पैर तेजी से मारने लगता है जिसके कारण ऑक्सीजन की तेजी से खपत होती है, साथ ही शरीर में ऊर्जा की खपत भी काफी तेजी से हो जाती है। वही डूबने वाला व्यक्ति जब तक संभव हो वो सांस लेने की कोशिश करता है जिसके कारण पानी शरीर के अंदर चला जाता है। कई बार डूबते समय थकान होना, ठंड लगना या नशे के प्रभाव का होना भी मौत का कारण बनता है। डूबते समय व्यक्ति का पेट फूल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह से झाग निकलने लगता है, चेहरे होठ या फिर नाखूनों का नीला पड़ने लगता है, बेहोशी छाना, सांस लेने में दिक्कत होना, उल्टी होना, बेचैनी होना, त्वचा ठंडी और पीला पड़ने लगना। डूबते व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से पहले ये देख लें कि आपको इससे कोई खतरा तो नहीं है। पानी के अंदर या फिर बर्फ के ऊपर जाने से पहले ये देख ले कि यहाँ जाना आपके लिए खतरनाक तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो फिर सबसे पहले उसे कोई बड़ा डंडा या किसी भी इस तरह की चीज का सहारा दे ताकि वो बाहर आ सके। जब वो बाहर आ जाए तो फिर सबसे पहले उसका मुंह साफ करें और चेक करें कि उसके मुंह में कुछ फंस तो नहीं गया है। अगर कुछ फंस गया हो तो फिर उसे निकाल कर अपना सांस दे, व्यक्ति को समय समय पर सांस देते रहें। पानी से बाहर निकालते ही देखें कि अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो फिर उसे CPR दें। जैसे ही व्यक्ति सांस लेने लगे तो फिर उसे गीले कपड़े खोलकर गर्म कपड़े से ढके ताकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार ना हो। अगर व्यक्ति को चोट लगी हो तो फिर शरीर के उस हिस्से को हिलाए डुलाए नहीं, पीड़ित को आराम से लिटा दें और बैठने से मना करें या फिर चाय या कॉफी दें। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।